दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम ये टेस्ट श्रृंखला जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला में अब तक 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 2 मुकाबले जीतकर 2-1 से बढ़त बना रखी है। अब अगर भारतीय टीम को इस श्रृंखला जीतनी है तो उन्हें आखिरी का मुकाबला जीतकर इस श्रृंखला को 3-1 से जीतना होगा। अगर आखिरी मुकाबले के लिए भारतीय टीम में हमें कोई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं नहीं, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और कब और कहां आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन जबरदस्त टीम है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 4th टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन करके इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। भारतीय टीम के उस हर एक खिलाड़ी ने बड़ी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन इसके बावजूद हमें आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बता दें कुछ इस प्रकार हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। अब तक इस श्रृंखला में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन हमें इस विभाग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें 4th टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हमें आखिरी मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो चोट के कारण भारतीय टीम से बाहर हो गए। इसलिए भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चिंता की बात यह है उनकी जगह किस खिलाड़ी को खेलने का मौका दिया जाएगा। अनुमान तो ऐसा लगाया जा रहा है कि उनकी जगह पृथ्वी शो को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, और वही इनका साथ देंगे केएल राहुल। वही तीसरे नंबर पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे चेतेश्वर पुजारा। उन्होंने 4th मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया था, इसलिए उन्हें आखिरी मुकाबले में खेलने का मौका मिलेगा। 4th नंबर पर तो हमें टीम के कप्तान विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों उसके बाद अगर बात की जाए 5वें नंबर की, तो इस पायदान पर हमें एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने 4th टेस्ट मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया था, इसलिए अब उनकी जगह युवा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका दिया जाएगा। इस बल्लेबाज ने शानदार प्रदर्शन करके काबिलियत दिखाई है, इसलिए चयनकर्ता इन्हें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे। वही 6वें नंबर पर तो हमें भारतीय टीम के विस्फोटक व विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ही खेलते नजर आएंगे। इसके बाद ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे रविंद्र जडेजा। दोस्तों गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो 4th इस मुकाबले में हमें टीम के गेंदबाजों की तरफ से बड़ा ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा, इसलिए हमें इस विभाग में तो कोई बदलाव देखने को नहीं मिल सकता। 4th मुकाबले की तरह हमें 5वें मुकाबले में जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों बता दें भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां आखिरी मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान पर खेला जाएगा, और इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार 3:30 से होगी। दोस्तों बता दें आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको इस मुकाबले का हिंदी कमेंट्री में मजा उठाना है तो सोनी 10.3 पर देख सकते हैं, वही इंग्लिश कमेंट्री का मजा सोनी 10.1 पर उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम आखिरी मुकाबला जीतकर इस श्रृंखला को 3-1 से जीत सकेगी या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।